सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण पटवारी लाइव फ्रॉम एक्चुएटर्स कोलकाता एंड ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिन लोगों को एक्चुअरीज करिकुलम के बारे में जानना है। लाइक अगर अभी आपने जस्ट क्लास 12 पास किया है, आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फिर आप ग्रेजुएट हो एंड आपको जानना है कि एक्चुअरीज कोर्स में कितने पेपर्स होते हैं, कितने सीरीज होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। So the actuaries course consists of 13 papers which is divided into 4 series. तो 4 series का क्या क्या नाम है? Core principles. Core principle जो है वो हमारा first stage होता है जिसमें there are 7 papers. उसके बाद आता है आपका core practices जिसमें there are 3 papers. Specialist principles में मैंने 2 लिखा है but actual में ये होना चाहिए था any 2 because specialist एक्चुअरीज एक ऐसा कोर्स है जो बोलता है कि आपको हर चीज में स्पेशलाइज करने का दरकार नहीं है। लाइक स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, स्पेशलिस्ट एडवांस में जो इंस्टीट्यूट है उसने बहुत सारे पेपर्स लिस्ट करके दिए हैं आपको। जैसे स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो वो एनी टू, वो ये बोलता है कि आपको सारे पेपर्स नहीं देने स्पेशलिस्ट के, आपको उनमें से सिर्फ 2 पेपर देना है। एंड जो स्पेशलिस्ट एडवांस स्टेज है हमारा, इंस्टीट्यूट ने वहां पर अराउंड 6 to 7 पेपर्स हम लोग को लिस्ट करके दिए, तो वो बोलते हैं सारा नहीं देना है आपको, सिर्फ एनी वन जिसमें आप स्पेशलाइज कर रहे हैं, आपको सिर्फ वही पेपर देना है। सो द काउंट गोज टू 7 + 3 + 2 + 1 विच इज 13। सो इन 13 पेपर्स को उन्होंने 4 सीरीज में डिवाइड किया है जिसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले स्टेज में। सो The first stage, which is the core principle stage, इसमें आपके 7 papers है। मैंने इसको codes में divide कर दिया है, actuarial statistics, actuarial mathematics and business. So the code goes as CS के there are 2 papers, CM के there are 2 papers and CB के there are 3 papers, which is 2 + 2 + 3 which is 7. So जैसे अगर आपको ये course start करना है, so the best thing to start is either with CM1 or with CS1. सो एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं जैसे कि देयर आर 2 पेपर्स CS1 एंड CS2। सो एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स में आप एकदम पूरा स्क्रैच से पूरा स्टैट सीखते हो। आप सीखते हो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आप सीखते हो व्हाट इज कोरिलेशन एंड पूरा स्टैट्स। लाइक आप बेसिक से सीखते हो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी से लेके रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशंस, जनरेटिंग फंक्शंस एंड ईच एंड एवरीथिंग यू लर्न इन स्टैट्स। एक्चुअरियल मैथमेटिक्स में देयर आर अगेन 2 पेपर्स CM1 एंड CM2। सो जो CM1 है वो मेजरली डील करता है विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड जो CM2 है दैट मेजरली डील्स विद स्टॉक मार्केट्स। अगेन इन CB देयर आर 3 पेपर्स बिजनेस, फाइनेंस, जैसे आप 12 में रेशियोज करते हो एंड इसमें क्या है ना, आपको बहुत सारा फाइनेंस के एलिमेंट समझाए जाएंगे जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, LLP क्या होता है। इट इज मोर काइंड ऑफ अ थियोरेटिकल पेपर एंड इसमें कुछ MCQs भी होते हैं। CB2 is your business economics and CB3 is an online based exam which is known as business management, जिसमें इंस्टीट्यूट ये चेक करता है कि आपका बिजनेस का सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। CB3 जो है वो टोटली एक ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है। अब जैसे मैं अगर और डिटेल में बात करूं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड ही दिखाता हूं। जैसे अभी अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको 7 पेपर्स दिख रहे हैं, ये नए करिकुलम में है। बट पुराने करिकुलम में जो फर्स्ट स्टेज था उसमें देयर वर 9 पेपर्स। तो मैंने आपको मैप करके भी दिया है कि पुराना वाला जो करिकुलम है और नया वाला जो करिकुलम है किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने मैप किया है। लाइक पुराने करिकुलम में देयर वर 9 पेपर्स, तो 9 पेपर्स का आप देख सकते हैं CT1 से लेके CT9 तक, राइट। तो अभी जो नया करिकुलम है मैंने इसमें आपको मैपिंग करके दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं CT1 एंड CT5 मिला के बना है CM1। क्या आपने देख पाया? CT1 एंड CT5 मिला के बना है CM1। तो हमारा जो CM1 का जो सिलेबस है वो 2 पेपर मिला के बना है विच इज CT1 एंड CT5। एंड CM1 में आपका एक एक्सेल बेस्ड एग्जाम भी होगा जो कि आप घर से देते हो। जितने भी मैंने आपको M कोड्स के पेपर दिखाए हैं जैसे कि CM1 एंड CM2, इसमें आपका एक एक्सेल बेस्ड एग्जाम भी होगा। एंड जितने भी सारे S कोड्स के पेपर है लाइक एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स 1 एंड 2, उसमें आपका R प्रोग्रामिंग का एग्जाम होगा। लाइक ये जो मैंने आपको बोला CM1, CM2, CS1, CS2, ये जो 4 पेपर्स हैं ये आपका रिटन एग्जाम तो होगा ही, प्लस आपका एक घर में ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि आपका एक्सेल और R का होगा। जितने भी सारे M कोर्स के पेपर है CM1, CM2, उसमें आप एक्सेल वाला एग्जाम देते हो एंड जितने भी सारे S कोर्स के पेपर है उसमें आप R प्रोग्रामिंग बेस्ड एग्जाम देते हो। एंड अगेन CB1, CB2, CB3 में कोई भी प्रैक्टिकल लाइक आपका नहीं है, लाइक आपको एक्सेल एनआर का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं, ये सारे आपके रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं एट द सेंटर। अच्छा, CB3 इज एन ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, CB1 एंड CB2 आर रिटन एग्जामिनेशंस। सो देखना, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि CB1 किससे बना है तो आप बोलोगे CT2 से। CT3 को इन्होंने दिखाया है CS1, बट CS1 में खाली CT3 नहीं है, CT6 के भी कुछ पोर्शंस है एंड आर प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। CS2 बना है आपका CT4 एंड CT6 से, बट अगर आप लोग देखो तो CT6 को इन्होंने यहां पर दिखाया है खाली CS2 में, बट CT6 पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है। CT6 पेपर स्प्रेड आउट होने से मतलब मेरा ये है कि CT6 के 2-3 टॉपिक आपके CM2 में है, CT6 के 2-3 टॉपिक आपके CS1 में है, एंड द रेस्ट ऑफ CT6 उनमें से कुछ कुछ इन्होंने सिलेबस से ही हटा दिया है, एंड जो बाकी बचे हुए पोर्शंस है वो आप CS2 में देखते हो। सो CT6 इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर अमंग ऑल द पेपर्स। अगेन आप देखते हो CT8 जो है वो CM2 है, पुराना जो CT7 था वो नया CB2 है, एंड पुराना जो CT9 था जो मैंने आपको बोला कि वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है वो आपका CB3 है। अगर इन सारे पेपर्स में बोलूं तो जो CT9 वाला पेपर है वो बहुत ही क्यूट सा पेपर है क्योंकि उसमें आपको हार्डली कुछ मेहनत करना पड़ता है। इट इज अ वेरी इजी ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम रादर देन CM1, CM2, CS1 एंड CS2। अगर मैं आपको ये जो पूरा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में देयर आर 7 पेपर्स, अगर मैं इस वीडियो में आपको उसका प्लानिंग करके दूं तो आप देखते हो पहला स्टेज में देयर आर 7 पेपर्स। तो इन 7 पेपर्स में जो 4 पेपर्स है CM1, CM2, CS1, CS2, ये 4 आपके डिफिकल्ट या फिर स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज इन चारों को पढ़ने के लिए कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सर व्हाट अबाउट CB1, CB2 एंड CB3? CB3 इज अ वेरी क्यूट पेपर, वो आपको ज्यादा मेहनत किए बिना भी आप उसको दे सकते हो, इट्स एन ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, ओके। तो CB3 इज लाइक कंपैरेटिवली इसमें बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है या फिर ना के बराबर एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अगेन CB1 एंड CB2 में कंपैरेटिवली आप कम मेहनत करते हो दैन CM1, बिकॉज CM1 में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है बेटा, आपको पढ़ना है CT1, आपको पढ़ना है CT5, एंड आपको एक्सेल का भी पढ़ना है। जैसे कि CT3 है तो CS1 है, CS1 में क्या है आपको CT3 पढ़ना है, आपको CT6 के कुछ पोर्शंस पढ़ने हैं, एंड आपको आर प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है। बट CB1 में कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगता है एंड CB2 में कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगता है। CB2 इज व्हाट? इट इज ECO, जो आप 12 में पढ़ते हो, जो आप कॉलेज लेवल में पढ़ते हो, एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस भी हुए हैं। CB1 में देयर आर MCQs, CB1 में देयर आर 20 मार्क्स के MCQs, एंड CB2 में भी देयर आर MCQs, अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स के MCQs आते हैं आपके CB2 में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज विच इज नोन एज कोर प्रिंसिपल स्टेज। ओके, यहां पर मैंने आपको डिवीजन दिखाया है कि किस तरीके से CM1 एंड CM2 का डिवीजन है। आपका एक 3 घंटा 15 मिनट का पेपर बेस्ड असेसमेंट होता है जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में होता है, जिसका वेटेज है 70%, एंड एक 1 घंटा 45 मिनट का एक्सेल बेस्ड असेसमेंट होता है। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होता है जो कि आपको घर से देना होता है, जिसका वेटेज है 30%। सर ये वेटेज वाला पार्ट में नहीं समझ पाया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? येस, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही आपके 100-100 मार्क्स के एग्जाम हुए, आपको मान लो रिटन एग्जामिनेशन में आपको मिलता है 80, तो उस 80 का 70% काउंट होगा, एंड आपको अगर मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलता है 60 तो उस 60 का 30%। सो 80 का 70% कम्स टू 56 एंड 60 का 30% कम्स टू 18। सो दिस इज हाउ यू गेट द वेटेड एवरेज स्कोर, बिकॉज दोनों पेपर ही 100-100 नंबर का होता है बट दोनों का वेटेज अलग अलग है। तो सर ऐसा है क्या कि मेरे को थियोरी पे ज्यादा फोकस करना है, मेरे को प्रैक्टिकल में कम फोकस करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, माइंड यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इक्वल 50-50% एफर्ट्स लगाना है रिटन एग्जामिनेशन पे एज वेल एज आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे। तो जैसे आप देख सकते हैं CM1 एंड CM2 में एक्सेल बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि आप घर से देते हो। दिस इज न्यू पार्ट जो पहले नहीं था, दिस इज द न्यू पार्ट जो इन्होंने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है करिकुलम में, एंड इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग जो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज इससे आपको एकदम पूरा रियल लाइफ इंडस्ट्री बेस्ड आपको एक्सपीरियंस भी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ CM1 का एक छोटे से टॉपिक की लोन शेड्यूल का बात करूँ, तो आप पेन एंड पेपर में कितने साल का लोन शेड्यूल बना पाओगे? लाइक वो लोग आपको बोलेंगे 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, बट आप एक्सेल में 25 साल 30 साल तक का वर्किंग इन मिनट्स कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप विच द इंस्टीट्यूट हैज टेकन। उन्होंने एक्सेल एंड आर को भी हमारे कोर्स में इंक्लूड किया ताकि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज मिले। अगेन आप ये खुद से पढ़ सकते हो, CS1 एंड CS2 वाला जो पार्ट आप खुद से पढ़ सकते हो। तो CS1 एंड CS2 में 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर बेस्ड असेसमेंट होगा एंड 1 hour 45 मिनट्स का आपका आर बेस्ड असेसमेंट होगा. अगेन द वेटेज रिमेन सेम 70-30. आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे देते हो एंड आपका जो आर बेस्ड असेसमेंट होता है वो आप घर से देते हो. अगेन आई रिपीट, आप वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन मत करना. चाहे आप कहीं से भी कोचिंग लेके पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ पे पढ़ रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारा रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन है उतना ही आपका आर बेस्ड असेसमेंट भी है. बिकॉज अगर मान लीजिए कोई चीज को कोर्स में लाया गया है तो उसका एक इंपॉर्टेंस होगा तभी लाया गया है, राइट? एंड एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप जॉब करने जाते हो तो वहां पर आपका ये थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा आपका एक्सेल एंड आर का नॉलेज काम में आता है. ऑफ कोर्स आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको एक्सेल और आर में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फोकस. मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं लास्ट के 15 दिन में एक्सेल पढ़ के हो जाएगा. नहीं होता है. ओके, so the next stage is core practices stage. जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें there are 3 papers, CP1, CP2 and CP3. And if I talk about the difficulty level in the whole actuarial curriculum, CP1 सबसे ज्यादा difficult paper माना जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें there are 2 papers, paper 1 and paper 2. दो अलग अलग दिन में आपका होता है एग्जामिनेशन सेम पेपर का. CP1 जो actuarial practices के 2 examinations होते हैं. So दोनों आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे ही होते हैं. अगेन CP2 इज मॉडलिंग प्रैक्टिस एंड CP3 इज कम्युनिकेशन प्रैक्टिस. तो आपका ये जो मॉडलिंग प्रैक्टिस है इसमें मैं आपको अभी तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज आप उतना समझ नहीं पाओगे, बट अब इतना समझ लो कि इसमें आपका एक्सेल का नॉलेज बहुत काम आता है. CP2 जो आपका मॉडलिंग प्रैक्टिस है इसमें आपका एक्सेल का बहुत अच्छा रोल है. जो लोग का भी एक्सेल स्ट्रांग है वो लोग का ये पेपर बहुत ईजिली निकल जाता है, ऐसा देखा गया है. CP3 is your communication practice. Now what is communication practice? Let me tell you, let me give a very small example. For example, probability, चीजों के होने की संभावना. अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें 6 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी हम लोग एक्चुअल वर्ड में ना बहुत ऐसे यूज करते हैं. स्टोकैस्टिक, ये हम लोग के लिए बहुत ईजी शब्द है, लेकिन किसी लेमैन को समझाना कि वॉट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, वॉट डू यू मीन बाय डिटर्मिनिस्टिक, वॉट डू यू मीन बाय स्टोकैस्टिक, What do you mean by flown schedule? तो कुछ आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है इसमें. Like जो भी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज है वो आपको बहुत सिंपली कम्युनिकेट करना पड़ता है, और ये आपका घर से एग्जामिनेशन होता है. CP2 एंड CP3 जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, CP2 एंड CP3 का जो एग्जामिनेशन है वो आप घर से देते हो. एंड जो CP1 है, जिसको लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा स्टडी आवर्स रिक्वायर्ड है, तो अगर आप CP1 दे रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल होके, थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन करके, थोड़े ज्यादा रिविजन्स करके आपको ये पेपर देना चाहिए. सो एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं. CP1 2 एलिमेंट्स ऑफ द असेसमेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसका डिटेल आप देख पा रहे हो सामने. दोनों ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं. अगेन जो आपका CP2 है वो भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं CP2A एंड CP2B. जैसे कि इसके भी 2 एग्जामिनेशंस होते हैं जो आप घर से देते हो, बट कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो CP2 बहुत इजी माना जाता है कंपेयर टू CP1. लाइक अगर ये जो कोर प्रैक्टिसेस जो स्टेज है ना, तो कोर प्रैक्टिसेस जो स्टेज है, अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें सिर्फ एक डिफिकल्ट पेपर विच इज CP1, बिकॉज CP2 एंड CP3 जो है वो कंपेरेटिवली ईजी माने जाते हैं. तो अभी तक मैंने आपसे 10 पेपर्स डिस्कस किए आपका जो पहला स्टेज था उसके साथ, एंड जो दूसरा स्टेज है उसमें देयर आर 3 पेपर्स. तो अगर मैं इन 10 पेपर्स का क्यूमुलेटिव में आपसे बात करूं तो मैंने आपको 5 स्टैंडर्ड या फिर डिफिकल्ट पेपर्स के बारे में बताया एंड 5 आपको इजी पेपर्स के बारे में बताया. कौन कौन से हैं? जो डिफिकल्ट वंस आर CM1, CM2, CS1 एंड CS2 एंड कोर प्रैक्टिसेस का CP1. तो ये 5 आपके स्टैंडर्ड और डिफिकल्ट माने जाते हैं. सर, आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द पासिंग रेट? हल्का फुल्का, बट अगर आप लोग मेजरली देखेंगे तो यूके बोर्ड जो है, जो हमारा IFOA का जो इंस्टीट्यूट है, उसका जो पासिंग रेट है दैट नॉर्मली लाइज बिटवीन 40 to 50% के बीच में, बट इन सम पेपर्स, इन सम टर्म्स इट हैज बीन सीन कि वो जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हो जाता है. लाइक 30 के आसपास भी कभी कभी जाता है, बिकॉज यू नो वॉट, इंस्टीट्यूट का अपना एक स्टैंडर्ड है जो इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन करेगा. लाइक इंस्टीट्यूट फिल्टर तो करेगा ना, तो वो कैसे करेगा, हल्का फुल्का पास रेट गिरा के, राइट। तो जो 5 इजी पेपर्स है उनके बारे में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ईजी है, डेफिनेटली आपको पढ़ना तो पड़ेगा बट कंपेरेटिवली कम एफर्ट देना पड़ेगा। लाइक जो मैं देखता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, फिर जो जनरल में जो लोग काम करे वो लोग करते हैं, दे पिकअप वन स्टैंडर्ड पेपर एंड वन ईजी पेपर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप CM1 के संग CB1 दे दो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप CP1 दे रहे हो तो उसके संग तो कुछ और देना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन हाँ आप CB1 और CB2 जो दोनों ईजी है, लाइक CB1 इज बिजनेस फाइनेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ, CB1 इज अ बिजनेस फाइनेंस एंड CB2 इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने CB1, CB2, CB3 तीनों एक अटेम्प्ट में दिया है एंड उनका क्लियर भी हुआ है, ओके। बट आई कैन नॉट एडवाइज यू कि आप CM1, CM2 एक साथ दो, CS1, CS2 एक साथ दो, तो आई विल नॉट एडवाइज यू दैट, राइट, ओके। सो अभी तक वी हैव डिस्कस 10 पेपर्स। इन 10 पेपर्स में मैंने आपको बताया कि जो CP2 वाला जो पेपर है वो आपका मेजरली एक्सेल रिलेटेड होता है, उसमें आपको ऑडिट ट्रेल्स वगैरह बनाने होते हैं जो कि आप सीखोगे थोड़ा बाद में जाके जब आप इस कोर्स में आओगे। तो दैट इज मॉडलिंग प्रैक्टिस। अगेन CP2 में आपका 2 एग्जामिनेशन होता है जो कि आप घर से देते हो, CP1 में भी आपके 2 एग्जामिनेशन होते हैं जो कि आप एग्जामिनेशन सेंटर से देते हो, एंड CP3 जो है दैट इज कम्युनिकेशन प्रैक्टिस जिसमें आपका एक ही एग्जाम होता है जो कि आप घर से देते हो। इस पेपर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल इस पेपर का मैं आपको एसेंस देता हूँ, नाम देखिए कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज होंगे उसको आपको समझाना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ CP3। लाइक CP3 पेपर में और भी आपको कुछ करना होता है, आप लोग आपको एक केस स्टडी देते हैं, उसको आपको बनाना पड़ता है एक्सेल वगैरह में और आपका वर्ड यूज करके, बट मेजरली जो है CP3 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन कि आप कितने अच्छे से एक लेवल को कम्युनिकेट कर पा रहे हो वो चीज, ओके। सो इसके बाद में आपका आता है स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स जिसमें इन्होंने 9 पेपर्स लिस्ट किए हैं और आपको NE2 देना है। स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स में इन्होंने 9 पेपर्स लिस्ट किए जिसमें आपको NE2 देना है। सो आप देख सकते हैं जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहां इस स्टेज तक आते थे, जनरली पीपल आर एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस तो मैं ऑब्वियस सब आता है, मैं SP6 दूंगा और मैं SP5 दूंगा। आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहा हूं तो आई विल गिव SP7 एंड 8। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस तो मैं दूंगा SP2। अगर मैं पेंशन में काम कर रहा हूं तो मैं दूंगा SP4। सो व्हाट इज दिस SP0 मास्टर्स लेवल थीसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरे को इंस्टीट्यूट से एग्जेम्पशन मिली हुई, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट बोलता है, जैसे ये आपका जो है जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपका इंडियन बॉडी का यूके बॉडी का पूरा सेम है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि अगर आपने CA कर रखा है तो मैं आपको एक ST में एग्जेम्पशन दूंगा, आपको एक ST नहीं देना है। दिस इज मास्टर्स लेवल थीसिस एंड वहां पर बहुत सारी चीजें लिस्ट की हुई है जो कि आप देख सकते हो। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा लिस्ट भेज सकता हूं। जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको मान लो CA हो गया है तो आपको एक ST का लेवल नहीं देना है, ओके, बिकॉज इंस्टीट्यूट ये मानता है कि अगर आपने CA कर रखा है, ये CA इज वन ऑफ द थिंग्स, ऐसा नहीं कि खाली CA को मिलता है बट CA इज वन ऑफ द थिंग्स। तो अगर आपने CA कर रखा है तो आपको एक ST नहीं देना है, आपका नॉलेज लेवल उस लेवल का है कि आपको एक ST नहीं देने से भी चलेगा, ओके। जैसे IFOA का है, IFOA ये बोलते हैं कि अगर आपने FRM कर रखा है, अगर आपने FRM का चार्टर होल्डिंग कर रखा है, आपके पास चार्टर है FRM का, तो आपको एक ST नहीं देना है, क्लियर। अगेन FRM इज योर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड CA इज योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगेन स्पेशलिस्ट एडवांस जिसमें देयर आर 6 पेपर जिसमें आपको कोई भी एक पेपर देना है। सो जैसे यहां पर भी अगेन आप देख सकते हो, यहां पर इन्होंने 7 पेपर्स लिस्ट की हुई है, सॉरी 7 नहीं है 6 है, 6 पेपर्स लिस्ट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस तो मैं दूंगा SA2। Are you getting the point? So this is all about the actuarial curriculum. Like बहुत ज़्यादा ambiguity है कि यार इसके बाद के papers के बारे में मेरे को नहीं पता होता है। So generally मैं अगर आपसे deal करूं, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूं। जैसे कि ये तो मैंने कोर्स के बारे में तो आपसे बात कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पेपर्स है, ये सारा आपको नहीं देना है, NE2 इफ यू आर इन स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सो पहला 7 और पहला 3 तो सबके लिए कंपलसरी है। अगेन मैंने आपको ये भी बताया कि पहले 10 में कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा ईजी है जिसको आप कर सकते हो। तो CM1, CM2, CS1, CS2 एंड CP1 आपके स्टैंडर्ड और डिफिकल्ट में आएंगे एंड CB1, 2, 3 एंड CP2 एंड CP3 आपके इजी पेपर्स में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सर मैं CP2 दूंगा और मेरा एक बार में क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट अगर आपने मेहनत किया है तो थोड़ा लाइक CM1 जितना मेहनत आपको नहीं करना है, CM1 जितना मेहनत आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा कम मेहनत करने से भी आप पास हो सकते हो उसमें, ओके। सो 13 पेपर्स में अगर आप देखो तो पहले 10 का मैंने आपको बताया एंड देन दिस 3 पेपर्स आते हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन करते हो, आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप उसी में जैसे मेरा मन है कि मैं डेरिवेटिव्स में स्पेशलाइज करूं, तो ऑब्वियस बात है मैं दूंगा SP6 एंड आई विल गिव योर SP7. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ थिंग. So this is all about the actual curriculum, 13 papers. Now I will also talk to you about some few things more. So this was how much to study. What's new about the course? So इस कोर्स में क्या क्या है and क्या क्या चीज अलग है, आप देख सकते हो. सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है ओपन बुक एग्जाम. ऐसा नहीं कि आप अपना सारा नोट्स वगैरह सब कुछ लेके जा सकते हो एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओपन बुक एग्जाम से मेरा ये मतलब है, एक इंस्टीट्यूट का टेबल बुक बनाया हुआ है. That is roughly around 200 पेजेस का एक बुक है, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज दिए, सारा तो नहीं दिया है बट ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज दे रखे हैं. आपको बस खाली उन फॉर्मूलाज को वहां से देखना है, आपके पास में क्वेश्चन होगा और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकालना है. बहुत ईजी लग रहा है ना, बट आप ये सोचो कि आपको फॉर्मूला दे दिया है, आपके पास में क्वेश्चन है, तो किस लेवल का क्वेश्चन होगा, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं. डिफिकल्ट तो है, ऑब्वियस बात है, डिफिकल्ट तो है, लेकिन क्या इजी किया हुआ का वैल्यू है? तभी तो कोर्स भी डिफिकल्ट है, सोचिएगा. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपको कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसे मेमोरी स्किल्स वर्सेस कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. नाउ एसोसिएटेड विद टू कोर्सेस, दोनों, जैसे अगर मैं बात करूं सीए का और अगर मैं बात करूं एक्चुअरीज का, तो दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं. CA gives you very vast knowledge about your accountancy, taxation, law, audit. बट कहीं कहीं मेरे मन में ये है, एंड हर एक बच्चा जो CA कर रहा होता है, कि हाँ थोड़ा सा CA में मगिंग अप ज्यादा है, कि आपको लॉ पूरा याद करना पड़ता है एंड देन यू आपको लिखना पड़ता है. बट यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल्स टेस्ट होगा. देख, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपको ज्यादा रटने का दरकार नहीं है, आपको वो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है. चाहे आप कोई भी पेपर दो, चाहे आप CM1 दो, चाहे आप CM2 दो, चाहे आप CS2 दो, आप कोई भी पेपर दो, आपको वो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है. सो दिस कोर्स टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रादर देन योर मेमोरी स्किल्स. सो व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू पोजेस? यू नीड टू हैव अ पैशन फॉर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस. सर इज पैशन इनफ? नो. आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि आपको ये कोर्स करना है. ट्रस्ट मी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी से सुन लिया है कि एक्चुअरीज में बहुत अच्छा पैकेज है या फिर एक्चुअरीज कोर्स बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कोर्स वो चूज करो जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, बिकॉज एक बात याद में रखना, ये कोर्स लंबा है, डेफिनेटली ये कोर्स लंबा है. इसमें देयर आर 13 पेपर्स. ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा. देयर आर 13 पेपर्स इन दिस कोर्स. सो पहला बात है कि सिंस देयर आर 13 पेपर्स, तो कोर्स तो लंबा है, बट आपको पेशेंस लेवल अपने संग रखना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है कोई पेपर में आप हो सकता है फेल हो जाओ, आपको उसको लेना आना चाहिए कि नहीं मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम वो पेपर फिर से दूंगा. तो यू नीड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मैथ्स, स्टैट्स, फाइनेंस, इको, ये सारे चीज का मिक्सचर है ये कोर्स. अब जैसे मैथ्स का मैं अगर बात करूं तो वैसा नहीं कि पूरा 11th में जैसा मैथ्स करते थे, इंटीग्रेशन आप उसको फील ही नहीं कर पा रहे हो आसपास तक कि आप क्या इंटीग्रेशन कर रहे हो. आपको पता है, सारा फॉर्मूला पता है, बस खाली उसका आंसर निकाल रहे हो. यहां पर सारा रियल लाइफ स्टडी हम लोग करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग इज रियल लाइफ रिलेटेड. जो मैं फर्स्ट डे को पढ़ाऊंगा आप उसको फील कर पाओगे. मैं आपको फर्स्ट डे पढ़ाऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आप उसको फील कर पाओगे, हाँ मैंने ऐसे देखा है कि मैं बैंक पे जाता हूं, बैंक में ऐसा होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह. हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, ऐसा फील कर पाओगे फर्स्ट डे से इस कोर्स को. इट इज ऑल रियल लाइफ रिलेटेड. Okay, so you need to study regularly for 3 to 4 hours. Like I recently cleared my CA final examinations in November 19 term. So मैंने last 3 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकला था. I was at my home, quarantined. अभी ऐसा हम लोग को घर में लॉकडाउन कर दिया गया है. So I was at my home. मैंने 3 महीना घर के नीचे भी नहीं उतरा, ऐसा समझ लो, क्योंकि इतना प्रेशर था CA फाइनल का. बट ये कोर्स में ऐसा नहीं है. डेफिनेटली मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है. नाउ फॉर एग्जांपल लेट मी गिव अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल. CM1 का जो कोर्स है, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा 300 स्टडी आवर्स देता है तो CM1 उसका क्लियर होगा. अगर कोई बच्चा 300 स्टडी आवर्स, जैसे हम लोग का जो प्रोग्राम है, हम लोग जो कराते हैं क्लासेस, 300 स्टडी आवर्स हम लोग के क्लासरूम कोचिंग होता है. तो 300 स्टडी आवर्स ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट का 30 दिन आप 10-10 घंटा करके पढ़ लिया और आप पास हो जाओगे. आप कोई हालत में पास नहीं हो सकते हो. वो जो 300 घंटा है ना उसको आपको 4 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके। आप याद करो जब आप क्लास 12 में थे, अब बाकी सारा सब्जेक्ट तो 10-10 दिन में टाल लेते थे, लेकिन मैथ्स आपने थ्रू आउट द ईयर किया था, ये वैसा ही है। इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है 11-12 का, ट्रिग्नोमेट्री आप कहीं देखोगे भी नहीं, हार्डली आप कभी देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। वैसा बोरिंग जैसा मैथ्स नहीं है, बहुत अच्छा मैथ्स है जो सारा रियल लाइफ रिलेटेड है। सो यू शुड हैव लव फॉर नंबर्स बट दिस इज नॉट इनफ, आई एम टेलिंग यू। गुड इन टाइम मैनेजमेंट, वाई इन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप ये कोर्स कर रहे होगे तब आपका कॉलेज चल रहा होगा, आपके क्लासेस चल रहे होंगे, इसका आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका मान लो जॉब लग जाता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब लग जाता है तो आपको जॉब के साथ साथ पेपर्स देने, लाइक ऐसा मान लो कि आप जब तक जॉब में जाते हो आपका 7 पेपर्स हो जाता है, यू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेज, अभी भी तो आपके 6 पेपर बचे हैं, उन 6 में मान लेते हैं कि आपका 4-5 डिफिकल्ट है, 2-3 ईजी है, तो अभी भी तो आपके पेपर्स बचे जो आपको जॉब के साथ देने। यहां लोग अटकते हैं, यहां पर लोग अटकते हैं और लोगों का 2-3 साल तक कोई पेपर क्लियर नहीं होता है। दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू इट्स अ लॉन्ग कोर्स। लाइक अगर आप देखो तो 13 पेपर्स आते हैं, अगर आप 6 महीना के लिए एक पेपर लेते हो तो भी 6.5-7 साल में, बट जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है, लोगों को टाइम लग जाता है बिकॉज आप जॉब के साथ करते हो इस कोर्स को। तो दैट इज वाई आई रोट गुड इन टाइम मैनेजमेंट। ये सारे जो कंडीशंस है ना, ये सब और नहीं, ये सब एंड है, कि ये सारे होने से आपको ट्राई करना चाहिए एक बार। खाली आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप कर लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आई हैव सीन स्टूडेंट दोज हैव गॉट 95, 96 एंड उनका पहला पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो लोग का 80, 85 रहा, दे वर कंसिस्टेंट एंड नाउ दे आर प्लेस्ड इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया। सो कीप अप विद द, देखो दिस इज द थिंग, कीप अप विद द लव फॉर मैथ्स। लाइक शुरू में ना आप कोई भी चीज देखो, आपने वो पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है। लाइक शुरू में जब स्टूडेंट्स हमारे पास में आते, जैसे मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, आई जस्ट लव नंबर्स, आई जस्ट लव मैथ्स, आई एम लाइक ओके यू ज्वाइन द कोर्स। बट धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर्स का लेवल बढ़ता है, सारा जोश खत्म, सारा जोश खत्म बच्चे का। तो यू शुड नॉट जस्ट लव मैथ्स, यू शुड कीप अप विद द लव फॉर मैथ्स। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कोर्स में आने के लिए, बट अगर आप इस कोर्स में आते हो तो यू शुड कीप अप विद द लव फॉर मैथ्स। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 6 पेपर्स दिए ना आप फिर लाइक नहीं यार और अब नहीं हो रहा है। कोई भी चीज को किया हुआ, पूरा किया हुआ वैल्यू है। ओके, बी पेशेंट, मैंने आपको सारा चीज बता दिया, यू शुड ऑलवेज बी पेशेंट। लाइक मैं आपको बताता हूं, 13 के 13 पेपर्स आपका 1 गो में हो जाए, इसका बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। सर बट आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तभी आप ये कोर्स चूज कर रहे हो। बट 13 के 13 पेपर सारा A1 गो में हो जाना, कभी ना कभी तो, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि आपको फेलियर देखना पड़े, बट कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि आप फेलियर देखो, तो ऐसा नहीं यार हम फेल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी पेशेंट। सो नॉट ओनली लव फॉर मैथ्स, यू आर गुड इन मैथ्स, यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स, नो नॉट एट ऑल, यू शुड हैव ऑल दिस कंडीशंस कि आप ये कोर्स चूज कर रहे हो, मतलब आप ये खुद से कसम खा रहे हो, आपने ये कसम खा लिया जब आप ये कोर्स चूज कर रहे हो कि आने वाले 6 से 7 साल मैं हर रोज 4 घंटा पढ़ सकता हूं या फिर पढ़ सकती हूं, देन यू आर वेलकम इन दिस कोर्स। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2-3 पेपर दिया यार अब मेरा मन नहीं हो रहा है। दिस कोर्स हैज द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशियो। ड्रॉप आउट रेशियो मतलब कुछ पेपर्स के बाद में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने येलो में लिखा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए येलो में लिखा गया है कि स्टडी रेगुलरली फॉर 3 to 4 hours, नॉट फॉर 6 months, नॉट फॉर 1 year, बट मिनिमम 5 to 6 to 7 years। आपको लग सकता है 6 से 7 साल लगना तो बहुत आम बात है, लेकिन आप देखोगे उसके बाद क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको। ओके, सो दिस इज द थिंग। अगेन, इज एक्चुअल साइंस फॉर यू? You should have a greater aptitude in finance, numbers का आपको understanding होना चाहिए। Like, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि greater time to devote for actual studies, better understanding of numbers। Like, जब आप class 12 में sums करते थे, मैं चेक कर रहा हूँ, like, मैं वीडियो में हूँ लेकिन मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ, आप जब class 12 या फिर class 11 का sums करते थे तो क्या वो बच्चे थे जिससे सम्स नहीं होता था तो आप ये बोल के छोड़ देते थे कि यार ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है सर, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए करा रहे, ये सब तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर आप वो हो तब आप इस कोर्स में बताना। और अगर आप वो दूसरे टाइप के बच्चे थे कि नहीं यार हो कैसे नहीं रहा है, चाहे 2 दिन लग जाए लेकिन ये सम तो करके ही दिखाएंगे, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा। जब आप जॉब में जाएंगे आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, आपको उनको सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। क्लाइंट्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे उनका प्रॉब्लम्स का आप उनको करेक्ट सॉल्यूशन दो। आप उस समय ये नहीं बोल पाओगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। नो, यू शुड बी ऑन द सेकंड कैटेगरी कि नहीं यार सम्स हो नहीं रहा तो कैसे नहीं हो रहा है। कैन गो थ्रू विथ फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इको, मैथ्स, स्टैट पार्ट विथ ईज। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रायर नॉलेज चाहिए कि आपका स्टैट्स ऑनर्स है तो ही आप ये कोर्स करो, आपका मैथ्स ऑनर्स है तो ही आप ये कोर्स करो, ऐसा नहीं है। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम बीकॉम, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम इको, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथ्स, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैट्स, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम बीबीए। एंड ऐसा कोई डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर सकता कि ये वाले बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, ये वाले बच्चे बहुत खराब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप देख सकते हो एक्चुअरीज में एरियाज ऑफ वर्क क्या क्या है। मेजरली अगर आप आज का मैं आपसे बात करूं तो मेजरली हमारा जो काम है दैट इज टुवर्ड्स इंश्योरेंस सेक्टर, इट इज इन लाइफ, इट इज इन जनरल एंड इट इज इन हेल्थ। ओके, we are into risk management, we are into investments, we are into consultancy, pension, banking, data analytics, disaster management. Like ये सारे हमारे areas of work हैं. Okay, again healthcare, retail, e-commerce, insurance, telecom, banking, sports, like everything में हमारा role आज के दिन पे है. Okay, so I will be uploading few more videos. Thanks for watching this video. Thank you.